अभी मैं ना हॉस्टल में आ चुकी हूँ और आप हॉस्टल का हालत देख सकते हो, क्या कंडीशन है मेरे रूम की। काफ़ी बुरी कंडीशन में है सब कुछ। मैंने ऐसे कपड़े निकाल के फेंक दिया है क्योंकि मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है वो अलमीरा के नीचे लगाने को, और फिर उसको मतलब कैसे मैं सही करूँ क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये है रूम और ये अटैच वॉशरूम है, ये ऐसा है कुछ देख सकते हैं। और फिर भी सारा कुछ मतलब ऐसे है, अभी और लड़कियां नहीं है रूम में, तो अभी मैं हूँ, एक और है वो कहीं बाहर गई हुई है, तो अभी वो है नहीं रूम में। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा रूम चेंज होने के बाद कैसा लगता है, यानी कि सब कुछ मैं सेट करने के बाद आपको ज़रूर दिखाऊंगी मेरा रूम अब कैसा लगने वाला है। ये हॉस्टल के बाहर की है गैलरी, और ये मैं काफ़ी मतलब 6th फ्लोर पे हूँ, यहाँ से व्यू देख सकते हैं आप। और यहाँ से नीचे कूदने पे ना जान नहीं बचेगी। ये है नाइट व्यू और ये है छोटी सी बालकनी। अब आपको जो भी सेट हो गया है वो दिखा। तो अभी मेरा सब कुछ ठीक हो गया है और अभी एक लड़की है जो कि नहीं आई है, आज वो आएगी। एंड जो सेकेंड वाली लड़की है उसका सामान भी कुछ ऐसे ही उल्टा सीधा पड़ा हुआ है, तो मैंने उसका सामान भी थोड़ा बहुत ठीक कर दिया है, बट वो आएगी अपना ठीक करेगी, इसलिए मैं उसका ज़्यादा सामान से छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ। ये आपको फील होगा जब आप किसी के रूम में, जैसे ये उसका टेबल है, उसने जैसा रखा है मैंने बस ठीक कर दिया है थोड़ा सा, तो इस तरह से। और ये मेरा बेड है अभी के लिए, अभी के लिए क्या मतलब, ये मेरा परमानेंट बेड है। और आज मेरी मदर थी तो मैंने ये बेड शीट भी इधर डाली हुई है, तो जब वो लड़की आ जाएगी, यानी कि वैसे आज मम्मी चली जाएगी तो मैं ये बेडशीट हटा दूंगी, तो वो जो लड़की आएगी वो उसकी बेडशीट हो जाएगी। तो बेसिकली ये मेरा बेड है, मैं आपको अलमीरा दिखाती हूँ, मैंने भी पूरा सेट कर लिया है। तो इधर में आप देख सकते हैं, इधर मैंने अपने सारे कपड़े डाल दिए, ऊपर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कपड़े जो थे जो कि मुझे ज़रूरत नहीं थी वो मैंने रखे हैं, और अपने भगवान जी को भी मैंने अलमारी में ही डाल दिया है ताकि सेफ रहेंगे इधर उधर, धूल मिट्टी से सही है। और मैंने इतना जो भी ब्लेज़र वगैरह है या ऑफिस गोइंग क्लोथ्स हैं वो मैंने हैंगर में डाल दिए हैं ताकि जल्दी जल्दी में मेरे को ढूंढना ना पड़े। और फिर ये मैंने कपड़े अपने रख लिए हैं जो कि डेली यूज़ वाले हैं। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा, मतलब इसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी जो आपको रखना है, ऐसे बगल टेबल है बगल में मेरा बैड, तो मैं खिसका के जो भी है निकाल लेती हूँ, तो ये भी ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे गिर जाता है ना बार बार इसको हिलाने में, तो जब बार बार खोलो तो गिर ही जाता है, व्हाटएवर सही हो नहीं बात है। फिर मैंने छोटी ट्रॉली बाहर में रखी है, बड़ी ट्रॉली बेड में डाल दी है, दीवान बेड भी दिया इन्होंने। तो बाकी ये भी मम्मी का बैग है, मम्मी चली जाएगी तो उसके लिए बैग ढेर है। बाकी मैंने अभी डेकोरेशन रूम की नहीं की है क्योंकि अभी और भी रूममेट्स हैं, तो किसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और ऐसे भी मैं फ्लाइट से आई तो ज़्यादा सामान मैं कैरी नहीं कर पाई वहाँ से। एटलीस्ट मेरा रूम देखने के लायक हो गया, ऐसा था मतलब पूरी कंडीशन बहुत बुरी थी, मन नहीं कर रहा था मेरा बैठने का यहाँ पे, बट अभी ठीक है क्योंकि रूम की कंडीशन अच्छी है, बट जो रहने वाले लोग हैं वो अच्छे से मतलब सेट नहीं था सब कुछ, तो अभी मैंने फ्रिज टेबल सब कुछ सेट किया तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। वहाँ पे चार्जिंग प्लग है तो मैंने टेबल लगा दिया ताकि चार्जिंग वगैरह हम लोग कर सकें, और ये भी एक खाली था तो नॉर्मल उसका मेकअप है, ये मेरा नहीं है तो वो अपना सामान भी रख सकती है, इधर फुल मिरर है तो वो भी देख सकते हैं। तो अभी जो है वो एकदम सही हो गया है, मतलब जो साफ़ सफाई थी वो तो कम्प्लीट हो गई है, बाकी थोड़ी बहुत डेकोरेशन करूँगी तो मैं उसकी शॉर्ट वीडियो एक क्लिप डालूँगी, जो हम डालते हैं अपना रील्स टाइप वो मैं बना के डाल दूँगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। होपफुली आपको ये साफ़ सफाई मेरा अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कल नाइट का व्यू दिखाया था मैंने आपको, इधर स्टेयर केस है, तो अभी मैं आपको मॉर्निंग का भी दिखा देती हूँ। मॉर्निंग में ना थोड़ा सा मतलब धूप आ रही है तो कपड़े वपड़े सुखाने के लिए भी सही है, और जो भी चीज़ें मतलब अच्छा है इधर, मैं अपने वीडियो शूट कर सकती हूँ इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी।
कल मैंने नेट में भी ये दिखाया था बट आई थिंक उतना ज़्यादा क्लियर नहीं रहा होगा, तो अभी आप देख सकते हो सारी MNCs और सारी बिल्डिंग्स भरी है। तो अभी के लिए बाय गाइस, सी यू सून।